हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी अकेडमी मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे दूसरे नहीं दूसरे तो नहीं कुछ सेशंस हो चुके हैं हमारे डीसी सर्किट्स के राइट वो डीसी मॉड्यूल का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जो मॉड्यूल हमने स्टार्ट किया है उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क किच ऑफ्स की करेंट लॉ किच ऑफ की वोल्टेज लॉ उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी देख लिए बट अगर आपने नहीं देखे तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट आप प्लीज पहले वो लेक्चर देख लीजिए नैन आज के लेक्चर पे आइए क्योंकि ये रहा किर्चॉफ्स का दोस्त ये किर्चॉफ्स का दोस्त है किर्चॉफ्स लॉ में हमने देखा कि हमें कैसे पहले मैश कंसिडर करना पड़ता था फिर मैश के अंदर करंट कंसिडर करने पड़ते थे देन करंट का कर डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ता था एंड ऐसे करके बहुत लंबा हमारा सम हो जाता था राइट और कभी कभी तो उसमें दिक्कत आती थी, थी कि भाई मैश कैसे कंसिडर करे अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट रहेगा तो हम लोग कितने करंट कंसिडर करेंगे

अलग अलग मैश करंट लेने की वजह से एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई क्या कि जितने ब्रांचेस उतने करंट काउंट करने की जरूरत नहीं है अब कैसे काउंट करना है जितने मैश है जितने मैश है उतने हम करंट कैलकुलेट करने वाले ओके दोस्तों तो चलो सबसे पहले हम एक सॉकेट बना ले सर्क्यूटल डायग्राम सिंपल से सर्किटल डायग्राम बनाएंगे ठीक है सो ये एक मेश बना लेते हैं हम यहां

लेकर आते रहे ये बी टू हो जाएगा ठीक है दोस्तों Then आपको R1, R2, R3 करना है अब आप, आपकी से आप जो कर लो मैं इस तरह करूंगी तो मैक्सवेल क्या कहता है कि यहाँ पे कितने मैश है दोस्तों दो तो आप दो मैश करंट अज्यूम कर लो एक इस डायरेक्शन में जा रहा हो आई वन और एक आई टू नाम का करंट जो इसमें फ्लो हो रहा हो आप ये मत देखने जाओ कि वोल्टेज यहाँ है तो ऐसे करंट जाएगा वोल्टेज यहां है तो ऐसे करंट जाएगा, तो जाएगा नहीं आपको ये कंसिडर करना है एंड मैक्सवेल ने यह भी बोला कि आप एक डायरेक्शन फिक्स कर लो या तो आप उसको क्लॉकवाइज वाइज कंसिडर कर लो या तो आप उसको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज वाइज कंसिडर कर लो तो हम यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज ही कंसिडर करने वाले हैं क्योंकि हम केवीएल को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाते हैं ना इसके लिए बेटर रहेगा ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या करेंगे हमारे मेश को नाम दे देंगे ए बी सी डी यहाँ पे नोड्स बन रहे हैं ना, ये जंक्शन हो गया ये नोड हो गया यहाँ पे दोस्तों एक चीज का ध्यान रखो कि आपको यहाँ पे ब्रांच करंट जैसे ही हमने यहाँ पे I1 बोला तो ये I2 हो गया तो ये I1 वन माइनस आई हो गया तो ऐसा कुछ कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे आपने मैश के अंदर एक करंट फ्लोर है तो दई वन मैश के अंदर दूसरा करंट फ्लो रहा है दैट इज I2 आपने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया बराबर नाउ यहां पे ये सारी रेड वाली चीजें हटा देते हैं क्योंकि हमने वो कंसिडर करना ही नहीं है ओके नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आपने मैश को नाम दे दिया आपने करंट भी एज्यूम कर लिया जो आपको नेक्स्ट चीज करनी है वहां पे आपको क्या करना है किर्चऑफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है किर्चऑफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करते वक्त आपको सेम अप्लाइंग केवीएल टू मैश नाम देना है नाम आप क्लॉकवाइज दोगे क्योंकि नाम क्या बताता है दोस्तों डायरेक्शन हम कहां पे हमारा केवीएल अप्लाई कर रहे हैं अब यहाँ पे तो हमारे पास आर वन आर टू आर थ्री का वैल्यू नहीं है यहाँ पे हमें हमारे पास सिर्फ आर वन आर टू दिया हुआ है राइट बेटर नाउ चलो सॉल्व करें इसको फिर अप्लाई केवीएल टू मैश सबसे पहले हम इस मैश को अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइस ए बी डी ए तो ये किस तरह हो जाएगा दोस्तों आप जब इस पर अप्लाई करोगे तो सेम चीजें आपको याद रखनी है चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं अगर आपका सेल का डायरेक्शन इस तरफ है तो करंट इस तरफ सेल से करंट अगर ऐसे निकल रहा है और केवीएल का भी डायरेक्शन यही है तो आपका वी पॉजिटिव हो जाएगा बट अगर रेजिस्टेंस में इस तरफ डायरेक्शन और केवीएल का भी डायरेक्शन यही है तो आपका ये आंसर क्या आने वाला है दोस्तों आई आर का नेगेटिव आई आर ओके एंड इसका उल्टा हो जाता है जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है ठीक है दोस्तों तो इसको फिलहाल के लिए हम निकाल देते हैं यहां से एंड हमारा डायरेक्ट लॉ पे ध्यान देते हैं तो यहां से कंसिडर करते तो सबसे पहले ये वी वन हो जाएगा प्लस वी वन है ना देन ये यह यहां जाएगा तो माइनस कौन सा करंट है दोस्तों इसमें इसमें हमने ब्रांच में स्पेसिफाई नहीं किया बट ये करंट हो जाएगा आई वन क्योंकि ये पूरे मैश में आई वन करंट फ्लो हो रहा है सो दिस इज आई वन आर वन ओके नाउ कमिंग टू आर थ्री अब दोस्तों आर थ्री में ध्यान दे दो आर थ्री में दो करंट जा रहे कैसे पता है ये देखो यहाँ पे आपका I1 कुछ इस तरफ क्लॉकवाइज उसके अंदर घुस रहा है ना एंड यहाँ पे ये I2 भी क्लॉकवाइज है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे ये जो R3 है यहाँ पे टोटल करंट कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है तो आप वो कैसे कैलकुलेट करोगे आपको पता है तो आपको कंसिडर करना है सबसे पहले I1 फिर उसमें से आपको आई माइनस करना है क्योंकि केवीएल और आईवीएल का आई वन का डायरेक्शन हमारे इस मैश में सेम है या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि मैश मे, ये जो मैश कंसिडर किया है उसमें आई वन घूम रहा है इसके लिए आई वन को पहले लिखेंगे बस ऐसा कुछ भी लॉजिक से लगा के लेकिन याद कर लो कि क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि आई वन इस तरह आ रहा आई टू इस तरह तो आई वन माइनस आई टू करंट रहेगा ठीक है दोस्तों तो ये माइनस आई वन माइनस आई टू इन टू आर थ्री और वापस यही यहां जा रहा है ठीक है दिस इज इक्वल टू आई होप आप सबको ये समझ में आ गया हो ये किस तरह इसकी वैल्यूज आई है? है ना ब्रैकेट ओपन कर दो और इसको अरेंज कर दो फटाफट वी उधर भेज दो दोस्तों माइनस आई वन आर वन माइनस आई वन आर थ्री प्लस आई टू आर थ्री इक्वल टू माइनस वी वन ओके दोस्तों तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस आई वन कॉमन आर वन प्लस आर थ्री प्लस आई टू थ्री इक्वल टू बी वन दिस इज इक्वेशन नंबर वन अगर यहां पे वैल्यूज रहते तो आप वैल्यूज डाल देते डायरेक्टली ठीक है अब हमारे सेकेंड मैश पे जाते हैं हम अप्लाई अपल टू मैश अभी हमें क्या बता रहे दोस्तों डायरेक्शन बीसीडीबी ओके अब यहाँ पे अप्लाई कर लेते फटाफट ठीक है तो सबसे पहले हम कलर चेंज कर लेते तो सबसे पहले यहां पे करंट का डायरेक्शन भी सेम है केवीएल का भी सेम है तो नेगेटिव आई टू आर टू हो जाएगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन भी सेम है केवीएल का भी डायरेक्शन सेम है तो हम नेगेटिव लेते हैं फिर ये यहाँ पे नेगेटिव बी टू ठीक है दोस्तों देन आप यहां पे जाओगे ऊपर की तरफ ये, तो ये यहाँ पे कैसे हो जाएगा दोस्तों यहां पर ये दूसरे मैश के लिए हो जाएगा ये फॉर मैश वन सेकेंड मैच के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों आई टू माइनस आई वन ओके तो यहाँ पे लिख दो ऊपर आई टू माइनस आई वन आर थ्री एंड इक्वल टू जीरो तो ये रहा रिप्रेजेंटेशन आप सब चेक कर लो एक बार करेक्ट है या नहीं ओके देन ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये माइनस आई टू आर टू माइनस वी टू माइनस आई टू आर थ्री प्लस आई वन आर थ्री तो आई वन को पहले लिख दो दोस्तों आई वन आर थ्री क्योंकि यही तो हमें निकालना है आई वन आई टू ही तो हमें निकालना है कि भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है पूरे इसमें आई वन आर थ्री माइनस कॉमन आ जाएगा नहीं माइनस आई टू कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में बचेगा आर टू प्लस आर थ्री विच इज इक्वल टू वी टू दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू यहाँ पे अभी नंबर होता तो आप नंबर डाल देते एंड सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते बराबर है ना वैसे हम लोग ने पहले कितने सारे वैल्यूज कैलकुलेट एक्चुअली किए हुए हैं यहाँ पे ओके आई होप आपको ये सब समझ में आया हो सॉरी अब अब जब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिल गया तो आप कैलसी उठाओगे कैलसी में की वैल्यूज डालोगे देन आपको क्या आ जाएगा दोस्तों आपको i1 और i2 का वैल्यू आ जाएगा बराबर देन आपको i1 एंड i2 का वैल्यू आ जाएगा तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन किया कि r3 में कितना करंट जा रहा है फाइंड आउट करो तो आप क्या कर सकते हो दो तरीके हैं एक i1 i2 कर सकते हो या फिर i2 i1 कर सकते हो और इन केस इन केस दोस्तों आपका i1 या फिर I2 का वैल्यू नेगेटिव आया इसका मतलब यह है कि जो भी वैल्यू नेगेटिव है वो सर्किट में क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है क्लियर है जो भी वैल्यू आपको नेगेटिव आएगा वो उसका मतलब है सर्किट में वो क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज है हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है दैट इज रॉन्ग इसलिए हमें उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा ओके okay, दोस्तों सो दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो Then हम स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल इस पर ओके तो दोस्तों चलो क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते ताकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर भाई सब तो क्लियर ही आपको है ना सो so, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे सब कुछ बनाया हुआ है नोट्स के नाम भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए गए हैं वाह अभी तक तो हमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें नोट्स के नाम नहीं दिए गए थे चलो तो अब इसको करते। यहां में क्या बोला है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको बना के नहीं दिया जाएगा तो आप लोग बोलोगे चलो केवीएल लगा लेते हैं केवीएल में हर एक सर्किट में डिवाइड करते जाएंगे क्यों इतनी मेहनत करनी है दोस्तों अपने पास है ना एक छोटा सा ट्रिक वही यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे तीन मैश करंट है ऑब्वियसली हमारे पास तीन इक्वेशन बनेंगे क्योंकि तीन अननोन है तो चलो एक एक एक, एक, एक मैश उठा फटाफट इक्वेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हम मैश केवीएल क्लॉकवाइज तो केवीएल लगेगा अभी आपको फिक्स कर ही लेना है बच्चों दिमाग में ठीक है तो अप्लाई केवीएल टू मैश ए ई डी सी ए, ए. ए बी ई डी सी ओके दोस्तों तो ये फर्स्ट वाले में हम लगा रहे तो हमारा क्लॉकवाइज हमने कंसिडर किया है ठीक है तो चलो फटाफट पड़ केवीएल लगाते तो देखते वैल्यू क्या आती है सबसे पहले शुरू करते ये टू का क्या होगा दोस्तों नेगेटिव तो ये नेगेटिव टू हो जाएगा देन सॉरी <coughs> फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा करंट का डायरेक्शन और हमारा ये केवीएल का डायरेक्शन डारेक, दोनों क्लॉकवाइज ही है ना तो ये नेगेटिव फिर यहां जाएंगे फिर ये इस साइड इस साइड ये प्लस से बाहर निकल रहा है प्लस वाली लाइन से बाहर हमारा करंट निकल रहा है तो प्लस नाइनटीन देन इस साइड आएंगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस वन लेकिन यहां पे दोस्तों दो करंट ध्यान दो जो ये वाला ब्रांच है ना दोस्तों ये दो ब्रांच से जुड़ा हुआ है एक जो आई वन वाला करंट में है और दूसरा जो आई टू बट हमें पता है हमें क्या लेना है कंसिडर कर रहे हैं राइट right? इसके लिए हम सबसे पहले आई वन को लिखेंगे एक सबसे पहले हम आई वन को लिखेंगे ओके एंड कंप्लीट हो गया हमारा फिगर इक्वल टू जीरो ठीक है तो इसको हम अरेंज कर लेंगे फुटाक से जब आप इसको अरेंज करोगे तो देन आपको आंसर आएगा सेवन आई वन माइनस आई टू विच इज इक्वल टू सेवनटीन ओके okay, दोस्तों जब आप इसको अरेंज करोगे ना ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करके देन आपको ये वाला आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू विच इज द इक्वेशन नंबर वन यहाँ पे आपका आई थ्री जीरो है ओके दोस्तों नाउ अप्लाई केवीएल टू अब दूसरे मैच पे लगाने की बारी है अब हम दूसरे मैच पे लगाएंगे दैट इज ये वाले सी डी जी एफ सी सी डी जी एफ सी पे हम हमारा केवीएल लगाने वाले दोस्तों शुरू कर देते फटाक से यहाँ पे करंट का डायरेक्शन और केवीएल का डायरेक्शन दोनों सेम है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस सारे नेगेटिव हो जाएंगे दोस्तों तो जाएगा माइनस वन आई टू फिर जब ये यहाँ थ्री में जाएगा तो थ्री में फिर से दो करंट का सामना हो रहा है थ्री का एक आई टू करंट के साथ सामना और एक आई थ्री का तो हमें पता है वो कैसे लिखना है राइट माइनस थ्री कौन सा कर, मे, कौन सा मैश लिया है हमने आई टू वाला मैश तो वो पहले आएगा आई थ्री वाला आएगा I3 वाला करंट आएगा सॉरी ओके okay, दोस्तों देन ये आएगा प्लस साइन से बाहर निकल रहा है है ना प्लस से बाहर निकल रहा है ऐसे करंट हमारा तो ये प्लस ट्वेंटी तो ये माइनस टू आई टू विच इज इक्वल टू जीरो ओके दोस्तों तो ये आपके स्क्रीन के सामने रहा जब आप इसको प्रॉपरली अरेंज करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगी दैट इज आई वन माइनस सिक्स आई टू प्लस थ्री आई थ्री विच इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ओके दोस्तों जब आप इसको प्रॉपरली अरेज करोगे तो ये आ जाएगा लेकिन ये ट्वेंटी फाइव आ जाएगा तो माइनस में देगा आंसर तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव आई होप ये क्लियर है क्लियर है आप सबको राइट देन हमारा लास्ट मैश बचा है दोस्तों उसको भी सॉल्व कर लेते हैं अप्लाई के टू ये वाला डी ई एच जी डी डी ई एच जी डी ओके तो चलो फटाफट इस पे भी अप्लाई कर ले ये यह यहां से बाहर निकल रहा है तो माइनस नाइनटीन फिर यहां पर अंदर जा रहा है तो प्लस वन इन टू वन आई थ्री फिर प्लस नहीं दोस्तों माइनस माइनस क्योंकि रेजिस्टेंस में माइनस क्यों दोस्तों बता सकते हो एक्सैक्टली exactly. करंट का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज

माइनस फोर आई थ्री इक्वल टू प्लस नाइनटीन दिस इज योर इक्वेशन नंबर थ्री दोस्तों ठीक है आपका इक्वेशन नंबर टू ये रहा एंड आपका इक्वेशन नंबर थ्री ये रहा ठीक है अब आप क्या करोगे सिंपल कैलसी उठाओगे वैल्यूज पुट करोगे एंड आई वन आई टू आई थ्री कैलकुलेट कर लोगे चलो कैलकुलेट कर लेते फटाक से हाँ एक चीज हम डिसाइड करके रखेंगे कि जो भी एक्स का वैल्यू रहेगा वो हमारा आई वन रहने वाला है बाई का वैल्यू हमारा i2 रहने वाला है एंड z का वैल्यू हमारा i3 रहने वाला है ठीक है तो फटाफट -फड़ इस पे वैल्यूज निकालनी है हमें तो कैलसी में डालते हैं तो यहाँ पे i1 है i2 है तो i3 क्या है जीरो आई थ्री तो आई थ्री लिखते वक्त जीरो आई थ्री लिखना है यहाँ पे i1 i2 i3 तीनों है यहाँ पे i2 है i3 नहीं है तो यहाँ पे जीरो आई वन लिखना है प्लस थ्री आई टू ओके क्लियर है दोस्तों ये तो कैलसी कंसिडर कर ले यहां पे मेन्यू सेटअप ए देन साइमल्टीनियस फंक्शन तो वन नंबर ऑफ अनोन थ्री तीन अनोन है ना हमारे पास पहला क्या है दोस्तों सेवन माइनस वन जीरो सेवनटीन सेवन माइनस वन जीरो एक मिनट सेवन माइनस वन माइनस वन जीरो सेवेंटीन ओके बहुत ध्यान से पुटिंग करना दोस्तों यहां पे, स्क्रीन थोड़ा ग्लिच हो रहा है वन माइनस सिक्स थ्री माइनस ट्वेंटी फाइव वन माइनस सिक्स थ्री माइनस ट्वेंटी फाइव ओके नाउ यहां पे जीरो थ्री माइनस फोर नाइनटीन जीरो थ्री माइनस फोर नाइनटीन ओके okay, दोस्तों तो ये सारी वैल्यूज आपने डाल दी आपकी कैलसी में जस्ट एक बार चेक कर लो कि जो भी वैल्यूज आपने डाली वो परफेक्ट है यस yes, यस ये परफेक्ट yes, सारी वैल्यूज परफेक्ट है वैल्यू दे दो भाई आई वन इज टू पॉइंट नाइन फाइव एम्पियोर्स देन वाई का वैल्यू इज थ्री पॉइंट सिक्स फाइव एम्पियोर्सैड नेगेटिव इ नेगेटिव मतलब दोस्तों यहाँ पे ये जो करंट हमने एज्यूम किया है आई थ्री ये क्लॉकवाइज नहीं है ये एंटी क्लॉकवाइज है ठीक है तो ये नेगेटिव का मतलब आपको समझा ये क्लॉकवाइज नहीं है ये एंटी क्लॉकवाइज है तो बस इतना आपको नोट डाउन करना है बाकी सब आपके स्क्रीन पे हैं जो भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें एंड इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास नोट्स बने रहे यही सब नोट्स में रहने वाले दोस्तों तो इट्स इट्स बेटर आप लोग लेक्चर अटेंड करते वक्त ही नोट्स बनाते जाओ ठीक है तो आप लोग स्क्रीन ले लो ओके सो तो एक शॉर्ट सा होमवर्क दे दिया जाए आज के लिए तो क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर तो दोस्तों फटाफट क्वेश्चन का सबसे पहले स्क्रीन ले लो yes. यस आपको दो मैश है दो ही मैश है कि आपके वैल्यूज क्या आए हैं एंड दो नो आपको ये वाला लेक्चर कैसा है पसंद आया नहीं आया लेटर्स नो कॉमेंट सेक्शन एंड अभी मेरे ख्याल से सिर्फ तीन चार थियोरम्स और अच्छे दिन आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा स्टे ट्यून्ड विद अस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें और मोटिवेट करते रहिए टिल देन गुड बाय टेक केयर कीप लर्निंग